हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, अभी हम हैं बेगूसराय में और आए हुए हैं अपने दोस्त गोलू के साथ। और डॉक्टर के जाना है और अभी टाइम हुआ है सुबह के 10 बज रहे हैं और ठंड अभी भी बहुत ज़्यादा है। धूप तो उग ही नहीं रहा है 1 जनवरी से ही। तो चलिए देखते हैं, चलते हैं और जो भी होता है सब कुछ आपको दिखाते हैं। चलिए गाइस, ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। अभी हमें एक दुकान पे आए हुए हैं, वहीं सब ये शूट कर रहे हैं। चलते हैं। तो फाइनली गाइस, अभी हम रिक्शा से उतरे और उसके बाद यहाँ पे ये देखिए सामने वाला बिल्डिंग जो है, यही है डॉक्टर दीपक कुमार का मेडिकल। हमको यहीं पर आना था तो चलिए, और ये है गोलू मेरे साथ आया है। तो चलिए चलते हैं अंदर और ट्रीटमेंट पहले करवाते हैं, दिखाते हैं रिपोर्ट, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। चलिए चलते हैं। देखिए गाइस, यही है हॉस्पिटल। चलिए पहले नंबर लगाते हैं। इधर गाइस नंबर लगता है, पहले नंबर लगाएंगे उसके बाद फिर अंदर चलेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को। चल गाइस, नंबर में लगा दिए, यहाँ बैठे हुए वेटिंग लिस्ट में, देखिए कब तक नंबर आता है। चलिए चलते हैं। गाइस बीपी चेक किया गोलू का और वजन भी चेक किया, उसके बाद बैठाया हुआ है, देखते हैं कब तक अंदर ले जाता है केविन। देखते हैं। गाइस आए थे हॉस्पिटल से बाहर, थोड़ा नाश्ता किए और ये दुकान वाले भाई, लोकल में नहीं था कोई वैसा दुकान, तो यहाँ पर नाश्ता किए। टाइम लगेगा क्या कि वहाँ अंदर हॉस्पिटल में। तो चलिए चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को। लो पकड़ो गाइस, देखिए चाय, ठंड में चाय का मजा गोलू पी रहा है। चलिए चाय पीते हैं पहले। तो गाइस हमने चाय नाश्ता कर लिया, करके फिर से यहाँ आके बैठे हुए हैं हॉस्पिटल में वेटिंग में, और देखते हैं कब तक अपना नंबर आता है, उसके बाद फिर चलेंगे अंदर, उसके बाद घर। हाँ जी गाइस, 2 घंटे के बाद आया है नंबर, उसके बाद बैठे हुए हैं, देखते हैं कब तक डॉक्टर अंदर केबिन में बुलाता है गोलू। चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। फाइनली गाइस, हम बेगूसराय स्टेशन में पहुंच चुके हैं और यहां से गाइस आप घर के लिए निकलेंगे, और अभी यहां स्टैंड पकड़ेंगे राजरानी। 5 मिनट में मतलब जैक्सन मतलब स्टेशन पर आने वाले ही हैं, देखते हैं कब तक आती है, उसके बाद फिर यहां स्टैंड पकड़ेंगे राजरानी, उसके बाद फिर चलेंगे।
चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कब तक आती है। तो फाइनली गाइस हमारी ट्रेन आ भी गई और खुल भी गई, देखिए निकल रहे हैं। चलिए चलते हैं, इसके बाद डायरेक्ट स्टॉपेज खगड़िया, खगड़िया के बाद मानसी, मानसी हम उतरेंगे हमारा होम स्टेशन। चलिए चलते हैं, गाइज हमारी ट्रेन रास्ते में रुक गई है, लगता है चेन पुलिंग हुआ है, देखते हैं कब तक खुलती है। ये सायपुर कमाल स्टेशन से थोड़ा पीछे है, यही साला वही तो हम भी बोल रहे हैं ना, लेकिन ये कहलाते हैं। तो फलिया ट्रेन खुल चुका है, देखिए अभी तक अगर गाइस चेन पुलिंग नहीं हुआ होता तो अभी हम खगड़िया पहुंच गए होते। देखो भाई चलिए चलते हैं, नेक्स्ट स्टॉपेज खगड़िया ही होने वाला है, खगड़िया के बाद मानसी। चलिए चलते हैं, तो फाइनली गाइस हमारी ट्रेन खगड़िया जंक्शन पे आ गई है, नेक्स्ट स्टॉपेज मानसी होने वाला है, हम उतरेंगे। गोलू चला गया और देखिए गाइस पीछे भीड़ कितना ज़्यादा है। तो चलिए देखिए गाइस इधर भीड़ और इधर गाइस देखिए ट्रेन लगा हुआ है, देखिए। चलिए देखते हैं कब तक खुलती है, ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। देखिए गाइस भीड़, तिरछा करा तो फाइनली गाइस हमारी ट्रेन खुल चुकी है खगड़िया जंक्शन से, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, दोनों साइड ट्रेन लगा हुआ है, देखिए ट्रेन लगा हुआ है। देखिए मानसी अब पहुँचेगा तब उतरेंगे, चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। देखिए गाइस खगड़िया जंक्शन का कुछ व्यू, यहाँ गाइस फ्लाईओवर ब्रिज के बीच नीचे थोड़ा छोटा सा मार्केट लगता है, देखिए। रुकिए रुकिए रुकिए, तो फाइनली गाइस अभी हम मानसी स्टेशन पर उतर गए और अब यहाँ चलते हैं घर। तो चलिए चलते हैं, देखिए।
तो फाइनली गाइस अभी हम उतर गए हैं अपने ढाला पे, यहाँ से घर नज़दीक ही है। तो गाइस इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।